तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू रोहित राठौर चैनल में फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करते हैं दो बाइक, जो सबसे पावरफुल बाइक है तो यामा का R1 वर्जन 3 आप देख रहे और जिक्सर 150 BS6 मॉडल। तो दोनों ही BS6 मॉडल, तो दोनों का हम लोग कंपेयर करते हैं, इसमें पावर कितना है, किसका ज़्यादा है और टॉप स्पीड किसका ज़्यादा है और इसमें दोनों में क्या क्या फीचर है नया में BS6 मॉडल में, और इसमें आपको जमशेदपुर का ऑन रोड कितना है ये भी हमने बात करते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है बाइक में, और इसमें क्या कि इसमें दोनों में आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए 150 cc में, या आपको R15 लेना चाहिए या जिक्सर 150 cc। तो ये आज हमने दोनों बाइक के बारे में बात करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं R15 यामा का BS6 मॉडल। तो मैं इसका 10 नंबर देना चाहता हूँ इसका लुक, आगे का जो आप देख रहे लुक में तो यार छा गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें आपको मिलता है पीछे और आगे आपको मिलता है LED लाइट। सेकंड नंबर इसमें आपको डुअल चेन मिलता है ABS। थर्ड नंबर पर इसमें मिलता है 6 गियर, जो आपको 6 गियर मिल जाता, और जो इसका जो CC है वो मिलता है आपको 155 cc का इंजन, जो पावर जनरेट करता है इसका 18 BHP, 10,000 इसका RPM, और इसमें आपको डुअल चैनल मिलता है ABS, और इसका टायर का मैं साइज बता दे रहा हूँ 140 का पीछे का है, और आपको मिलता है आगे का 180 का टायर। तो आपको जब भी राइडिंग करेंगे तो आपको टायर का तो ग्रिप बहुत अच्छा पकड़ेगा। तो इस बाइक में आपको थोड़ा राइडिंग में थोड़ा झुक के चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका दो है, जैसे हो गया RC KTM जैसे आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। और इसमें आपको दो कलर मिलता है, एक हो गया ये आप देख रहे हैं ग्रे कलर, और एक हो गया आपको ब्लू कलर। तो ब्लू कलर भी नाइस लगता है, वो भी आपको रेसिंग कलर में मिल जाता और देखने में वो भी खूबसूरत है और ये भी खूबसूरत है। अभी दो ही कलर है BS6 मॉडल में। तो इसमें आपको मैं इस गाड़ी में आपको 10 आपको देना चाहता हूँ इसका लुक में, मुझे लुक इसका बहुत अच्छा है और मुझे इस गाड़ी में खूब ये आपको अच्छा लगा कि इसका जो लुक मुझे ये इसका बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो आप देख रहे हैंडल बार जो आपको हैंडल जो आप देख रहे इसका, ये हैंडल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी क्लिपर हैंडल जो आपको लगता है कि जब भी बाइक में बैठता आपको दिखता है अभी स्पोर्टी। तो चलो हम लोग अभी बात कर लेते हैं जिक्सर 150 का बारे, तो आपको इसमें क्या क्या मिलता फीचर, तो चलो देखते हैं जिक्सर का। तो जिक्सर ये है आप देख रहे, ये ब्लू कलर जो रेसिंग कलर है, और ये आपको इसमें मिलता क्या कि फीचर, इसमें अपने आपको बता दे रहे इसका पावर मिलता है R1 से आपको कम ही मिले, क्योंकि इसका जो पावर में बता दे इसका 14 BHP है, 8,000 इसका RPM है, और इसमें आपको सिंगल चैनल मिलता है ABS, जो आपको R1 में डुअल चैनल मिलता है ABS, और इसमें आपको पीछे का टायर 140 है और आगे का 100 है, तो टायर में कोई ये नहीं, सेम है दोनों का। सिर्फ इसमें आपको सिंगल चैनल मिलता है ABS, और आपको मिलता है R1 में 6 गियर, लेकिन आपको इसमें मिलेगा 5 गियर, और ये भी सेम इंजन आपको मिलता है 155 cc का इंजन, और पीछे आपको मिलता है डिस्क मिलेगा आपको, मिलेगा इसमें आपको सिंगल चैनल आपको मिलता है ABS सिर्फ आगे में मिलेगा, और इसका है आपको टैंकी मिलेगा 12 लीटर, जो आपको R15 में आपको मिलता है 11 लीटर। तो इसमें एक मुझे अच्छा लगा इसका 12 लीटर टैंकी, इसमें मैं इसको 10 नंबर देना चाहता हूँ। और लुक में भी ये भी गाड़ी सुजुकी का भी ये गाड़ी सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो आप देख रहे BS6 मॉडल का ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा चलता है, और ये मुझे भी कलर बहुत अच्छा लगा, और इसमें बाइक में ज़्यादा चेंज नहीं है पहले वाला से, थोड़ा इसमें आपको कुछ ज़्यादा BS6 में थोड़ा देखने में खूबसूरत अच्छा लगता है। इसका जो आपको फ्रंट से आपको LED लाइट मिलता है, जो आपको R15 में आपको मिलता हेडलाइट LED, तो जिक्सर में भी आपको मिलता LED लाइट, और इसमें भी आपको फुल आपको LED मिलता है आगे पीछे। तो इसका जो ब्लिंकर है वो नॉर्मल है, बल्ब है, तो लेकिन आपको LED मिल जाता है, जो लुक में भी अच्छा लगता है मुझे इस बाइक का। आप देख रहे इसका कुछ इस तरह से लग रहा है आगे से। तो गाइस, आपको कमेंट करके बताना आपको कौन सा बाइक अच्छा लगा, R15 वर्जन 3 या जिक्सर 150 BS6, दोनों ही है, तो दोनों में आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोनों ही बाइक मुझे अच्छा लगा, दोनों ही पावर में अच्छा है, जो लेकिन थोड़ा इसका पावर कम है, आपको इसमें मिलता 14 BHP और आपको R15 में मिलता 18 BHP, लेकिन तो थोड़ा पावर में R15 आगे निकल गया, और इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, सेम है, मस्त गाड़ी ये भी, और इसका ऑन रोड कीमत है 1,00,000
30 से लेकर 35 तक आपको ये बाइक मिल जाएगा, V6 मॉडल 150 cc। और जो आपको मिलता है यामा का R1, वो आपको मिलता है 1,72,000, थोड़ा इससे कीमत ज़्यादा है। तो जिसका पास कम बजट है वो ये ले सकते हैं, जिक्सर 150 SF V6 मॉडल, ये भी बहुत अच्छा बाइक है। आपको माइलेज मिल जाता है 40 से 45 तक मिल जाएगा माइलेज, मतलब माइलेज से आपको कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। आपको मिल जाता R1 पे में भी आपको 40 से 50 तक माइलेज मिल जाता है, दोनों ही V6 मॉडल में थोड़ा माइलेज अभी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। तो चलो अभी चलते हैं, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करते यार, और चलो अभी चलते हैं, जय हिंद जय भारत।